अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब और आप देख रहे हैं सी टी बॉक्स। इंडिया में वाकया मुंबई, जो कि आज के दौर में एक जदीद शहर है, इसकी तारीख काफ़ी तवील है। अगरचे बहुत से लोग इस खूबसूरत शहर की पैदाइश के बारे में कहानी नहीं जानते होंगे। मुंबई वाले अपने शानदार माजी और वर्से के बारे में पुरजोश हैं। मुंबई नाम एक तखल्लुस है जो एक मकामी देवी के नाम से माखूज है, जिसे मुंबा देवी कहते हैं। इस खूबसूरत शहर की तारीख सात जजायर यानी कोलाबा, मुंबई, माजागांव, पैरल, बुरली, माहिम, लिटल कोलाबा और दी ओल्ड वीमेन आइलैंड से तश्कील है। जजायर का ये ग्रुप दर हकीकत हिंदुस्तान के मशहूर बुद्ध शहनशाह अशोक की सल्तनत का एक हिस्सा बना। बादशाह की मौत के बाद इन जजायर की मलकियत को मुंतकिल कर दिया गया था। बाद में मुख्तलिफ हुक्मरानों की तरफ से इनको नौ आबादियाती बनाया गया था और इसे 19वीं सदी तक चलाया गया, और अमरीकी खाना जंगी के दौरान इसकी मईशत को फ़रोग देने का भी तजुर्बा किया गया था। तामीर नू और मलकियत के अलावा मुंबई पहले बुम्बई कहलाता था, और ये शहर दूसरी आलमी जंग हिंदू मुस्लिम फसादात के दौरान बड़े पैमाने पर कत्ले आम का भी गवाह रहा है। तजाइनों, आराइश और लड़ाइयों के एक सिलसिले के बाद में शहर को बाज़ाब्ता तौर पर रियासत महाराष्ट्र का दारुल हुकूमत भी बनाया गया। असल में ये सात जजीरे अशोक की बादशाहत का हिस्सा थे। अशोक के इंतकाल के बाद सलहारा ख़ानदान के बेशुमार हुक्मरानों ने इकतदार संभाला, यहाँ तक कि रियासत गुजरात ने 1343 ईस्वी में जजायर पर कब्ज़ा कर लिया और 1543 ईस्वी तक ऐसा ही रहा। 1543 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गुजरात के बहादुर शाह से छीन कर इन जजायर पर कब्ज़ा कर लिया और 1661 तक ये तमाम जजायर इनके कब्ज़े में रहे। इस अरसे के बाद ये जजायर कैथरीन दी बरगेंजा को जहेज़ के तौर पर दे दिए गए, जब इसने इंग्लैंड के चार्ल्स डूम से शादी की। इसने बदले में 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को इनकी नौ आबादियात के दौरान जजायर लीज़ पर दिए, और इसी वक्त इस शहर का नाम मुंबई रखा गया। सात सालों में शहर की आबादी 1675 में महज 10,000 से बढ़कर 60,000 तक पहुंच गई। शहर में आबादी बढ़ने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना सदर दफ्तर सूरत से बाज़ाब्ता तौर पर नए शहर मुंबई में मुंतकिल कर दिया। हॉर्नबे विलार्ड मुंबई में शुरू किए जाने वाले पहले इंजीनियरिंग मंसूबों में से एक था। मुंबई के गवर्नर विलियम हॉर्नबे ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सख्त मुखालिफत के बावजूद 18वीं सदी के अव्वल में इस मंसूबे का आगाज़ किया, और इस प्रोजेक्ट के बाद इस शहर में कई सिविल इंजीनियरिंग मंसूबों का आगाज़ किया गया, और बिल आखिर 1845 को इन सात जजीरों को एक शहर यानी मुंबई के तौर पर कबूल कर लिया गया, और 1853 में मुल्क का पहला रेलवे राबता मुंबई और थाने के दरमियान मुकम्मल हुआ। ये शहर 1857 में बगावत तक कंपनी के हाथ में था। 1869 में नहर स्वीज के खुलने का मतलब ये भी था कि मुंबई और बाकी दुनिया के दरमियान रबते खुलेंगे, और इसके नतीजे में मुंबई हिंदुस्तान की बड़ी बंदरगाहों में से एक बन गया। आज़ादी हासिल करने से ठीक पहले शहर ने बड़े पैमाने पर हिंदू मुस्लिम फसादात देखे, जिनके नतीजे में ज़बरदस्त कत्ले आम और हंगामा आई हुई। आज़ादी के बाद शहर में तेज़ी से इजाफा हुआ और कई मज़ाफाती कब्ज़ों को शहर की हदूद में शामिल किया गया, और 1960 में मुंबई महाराष्ट्र का नया दारुल हुकूमत बन गया। स्काई स्क्रैपर्स, बुलंद फनो तामीर, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, कच्ची सड़कें और सानवी और तरतीरी शोबे में तेज़ी ने शहर की हैसियत बदल दी और इसे मुल्क के चोटी के चार शहरों में से एक तक पहुँचा दिया, और आज मुंबई दुनिया का चौथा सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। मुंबई हिंदुस्तान का कारोबारी दारुल हुकूमत है और ये मुल्क के सबसे बड़े शहरों में से एक है, और मुंबई की मौजूदा आबादी लगभग 2 करोड़ से ज़ायद है। तो नाज़रीन, ये थी मुंबई की तारीख। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट इसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।